बंधुरा ए पर्याये आमरा जानबो आमादेर अर्थायनेर क्रमन्वयेर धारा अर्थात आमादेर आजकेर दिनेर जे अर्थायन एटा किन्तु एकबारे आसेनी जुगेर साथे परिवर्तित होते होते ताल मेलाते मेलाते किन्तु आमादेर आजकेर जे अर्थायन सेटा आमरा देखते पारी। तो एई भिडियोते मूलत आमरा एई अर्थायनेर क्रमन्वयेर धाराटा देखबो। तो प्रथमेई आमादेर आसे 1930 एर पूर्ववर्ती दशक अर्थात 1930 आगे जे बछर दशकगुलो छिलो एक क्षेत्रे कि हय जुक्तराष्ट्रेर कोम्पानीगुलो मने करे तादेर जे फाइनान्शियल डेटा छिलो सेगुलो एनालाइसिस करे तारा चिंता करे जे तादेर एकत्रीकरण हवा उचित अर्थात प्रतिटा कोम्पानी जोदि एकसाथे मिले जाय ताहले तारा अर्थनैतिकभावे अनेक भावे स्वाबलम्बी हबे। तो एई कारणे तादेर तारा एकत्रित हय एबं एकत्रीकरण शुरू हय। किन्तु 1930 एर दशके एई एकत्रीकरण सफलता पायनि। इभेन देखा जाए अनेक कोम्पानी किन्तु देउलिया पर्यन्त हो जाए अर्थात एक क्षेत्रे एकत्रीकरण किन्तु आर देखा जाए ना। एरपरे आसे 1940 एर दशके तारल्येर प्रयोजनीयता देखा देय। तो सेई क्षेत्रे किन्तु बिजनेसमैनरा बा व्यवसायीरा बा आर्थिक व्यवस्थापकरा बुझते पारे जे व्यवसायेर क्षेत्रे तारल्येर प्रयोजनीयता सर्वाधिक एबं एई अनुयायी तारा काज करा शुरू करे। एरपरे आसे 1950 दशके मुनाफा सर्वोच्चकरण प्रधान काजे परिणत हय। तो 1940 थेके 1950 दिके देखा जाए जे जेहेतु शेयर होल्डाररा रयेछे एजोन्नो तादेरके मुनाफा सर्वोच्चकरण प्रधान काजे तारा बेशी जोर देय। एरपरे आसे 1960 एर दशके आधुनिक अर्थायनेर यात्रा शुरू हय अर्थात आमादेर एमसीकिउते किन्तु अनेक समय आसते पारे जे आधुनिक अर्थायनेर यात्रा कखन थेके शुरू हय। तो आमरा किन्तु बोलबो 1960 एर दशके किन्तु आधुनिक अर्थायनेर यात्रा शुरू हय। एरपरे आसे 1970 एर दशक एरपरे किन्तु कम्पिउटार अध्याय शुरू हय। सो 1970 एर दशक थेके किन्तु कम्पिउटार अध्याय शुरू এবং যখন থেকে কম্পিউটার অধ্যায় শুরু হয় তখন থেকে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে যুগান্তকারী পরিবর্তন কিন্তু চলে আসে। কারণ কম্পিউটার আসার পর থেকে কিন্তু এরপরে আগের যে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনগুলো ছিল ফাইনান্সিয়াল এগুলো কিন্তু অনেক কষ্টসাধ্য হতো মানুষের হাতে করার জন্য। তো কম্পিউটার আসার পর কিন্তু এগুলো অনেক সহজ হয়ে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি এবং দ্রুততার সাথে এবং নির্ভুলভাবে কিন্তু এই কাজগুলো সম্পাদন করা যায়। এরপরে আসে 1980 দশকে সনাতনী রূপ থেকে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। সবশেষে 1990 এর দশকে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন আত্মপ্রকাশ করে এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আমদানি রপ্তানি বা পণ্য রিলেটেড যত প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেমগুলো বা যত বাধা থাকে সেই বাধাগুলো সলভ হওয়া শুরু করে। তো এটাই ছিল মূলত এইভাবে করতে করতে কিন্তু আমাদের আজকের যে অর্থায়ন সেটা আমরা দেখতে পারি বা আজকে অর্থায়নের যে চিত্রটা আমরা দেখতে পারি সেটার এই ধারাগুলো কিন্তু আমরা এই ভিডিওতেই জানলাম।